ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा रमजान विजन 2026 के तहत रमजान के पाक महीने के पाक महीने में खुदा की इबादत करने के लिए जरूरतमंद परिवारों को रमजान किट का वितरण किया गया, जिससे रोजेदार पूरी इबादत और शिद्दत से रोजा रख सकें और रोजगार इफ्तार भी कर सकें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा विजन 2026 के तहत कई जनहित के कार्य किए जाते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष मुस्लिम समुदाय को खुदा की इबादत के प्रति रुझान लाने के लिए रमजान किट का वितरण भी किया जाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय खुदा की इबादत में रोजा रखे और रोजे की अफतारी भी ठीक ढंग से कर सके। कई बार देखा जाता है कि रोजेदारों को अफतारी के अभाव में रोजा रखने में काफी दिक्कतें आती हैं, जिसे देखते हुए इस नेक काम को अंजाम दिया गया। कार्यक्रम के वक्ताओं ने सर्वप्रथम खुदा की शान में कलमे पढ़े और उसके बाद यह भी बताया कि खुदा की इबादत करना कितना जरूरी है और इबादत करने से क्या हासिल होता है। परंतु किसी की इबादत अधूरी न रह जाए, इस वजह से यह रमजान किट आम लोगों में तकसीम किया गया। यह रमजान किट का वितरण उन लोगों को किया गया जिनके पास इस दौर में भी रोजा रख पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि रोजा रखने के बाद रोजा खोलने के लिए कुछ सामानों की जरूरत होती है जो उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी को देखते हुए रमजान किट का वितरण ऐसे परिवारों को किया गया। प्रोग्राम की जानकारी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के नुमाइंदों ने न्यूज टीम को दी। ये मकसद ये है कि रमजान का मुबारक महीना है और इसमें जो है हमारे हम ये चाहते हैं 2026 कि हमारे बस्ती में जो भी गरीब गुरबा यतीम ये सारा परिवार है उनका सहारा बन सके, और ये मौका है, अच्छा मौका है कि अपने बहन भाइयों में काम आ सके और इस किट के जरिए से उनके पेट की भूख को मिटा करके एक इबादत का जरिया बन सके। विजन 2026 एक हमारा प्रोजेक्ट है जो मैंने फाउंडेशन के अंदर चल रहा है, तो इसके तहत जो है रमज़ान के महीने में जो है हम जो है रमज़ान फूड किट्स करते हैं, क्योंकि इस देश में जो है सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि लाखों परिवार ऐसे हैं जो हर दिन जो है भूखे पेट सोते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि रमज़ान जैसे महीनों में कि लोग जो अपने प्रकार से जो है ये फंड्स कलेक्ट करके फिर उधर आते हैं, हम जो है गरीबों पिछड़ी आबादियों तक किस तरीके से हम पहुँचे और इसका एक बेहतर इस्तेमाल करते हैं, ताकि भूख जो एक बहुत बड़ी परेशानी इस देश की जो है तरक्की पर निकल कर आया है उसको किस तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं, इसकी कोशिश के तहत हमने जो है रमज़ान फूड किट जो है हंगर रिलीफ प्रोजेक्ट के अंदर में जो रखा है। ये हमारा पूरे देश में जो है हंगर के खिलाफ एक अभियान है जो पिछले 17 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, और इस साल भी जो है हम हमारी कोशिश ये है कि 60 से 70 हज़ार परिवार तक जो है हंगर रिलीफ प्रोजेक्ट के जो है रमज़ान के महीने में हम पहुँच पाएंगे। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन इसके पूर्व भी परिवार चलाने में अक्षम लोगों को स्वरोजगार के रास्ते भी बताए हैं और शिक्षा के प्रति भी लोगों को जागरूक करते हुए लोगों की मदद की है, और यह सिलसिला लगातार आगे भी जारी रखने के लिए ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन प्रतिबद्ध है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।